और अगर 30% सिलेबस काट के पढ़ाई करनी है तो वैसे बता दो यार, टेंशन खत्म। जिसने मेहनत की ठानी है ना, जीवन में लक्ष्य उसी को मिलता है, और जिसने मेहनत की नहीं ठानी ना, दर दर की ठोकरे खाता है। ध्यान रखना, जब घड़ी देखना बंद कर दो ना तुम पढ़ते वक्त, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े टाइम क्या हो रहा है, तब तुम सक्सेसफुल होगे, बात ध्यान रखना। यूं तो बड़े कॉल करते हो, डीपीपी का क्या हुआ, क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये वो फलाना ढीगड़ा, और जब पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, जबरदस्त कंसेप्ट्स को सामने रखते हैं, क्लास की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाए, अगर क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ जाए, तो पसीने छूट जाते तुम्हारे कि सर बस करो बस करो बस करो, क्योंकि तुम्हारे करने का समय है ना, तुम्हारे मेहनत करने का समय है, उस समय तुम्हें मौत आती है। सामान्य जीवन जियोगे ऐसा तुम्हारा कुछ होगा नहीं अगर मेहनत नहीं की तो। फिर बैठ के बस सपने देखते रहना कि यार उसके पास तो आईफोन है, आईफोन कितना अच्छा होता है, यार उसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, यार देखो अपने पेरेंट्स को विदेश यात्रा करा के ले आया, यार देखो उसके पास कितना बड़ा बंगला है, यार देखो उसकी कितनी रिस्पेक्ट है, यार देखो वो डॉक्टर है, बस देखते रहना, करना मत कुछ भी। ये तुम्हारे लिए हमेशा एक सपना रहेगा कि तुम्हारे पैसों से तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया में कहीं यात्रा करें, ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा कि तुम भी डॉक्टर बनके किसी क्लिनिक में बैठो और लोग तुम्हारी इज्जत करें, क्योंकि उस सपने को पूरा करने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। अगर तुम खुद तपने के लिए तैयार ही नहीं हो, बर्बाद हो साहब, बर्बाद हो। जय हिंद।